नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मनकापुर विधानसभा सीट को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहां पांचवें चरण में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बार यहां बीजेपी के रमापति शास्त्री, कांग्रेस की संतोष कुमारी, सपा के रमेश चंद गौतम, बीएसपी के श्याम नारायण कोरी के बीच मुकाबला है। मनकापुर विधानसभा सीट के सियासी इतिहास की बात करें तो यहां 1985 और 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राम विष्णु आजाद ने जीत का परचम लहराया। 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के छेदीलाल ने जीत दर्ज कराई। इसके बाद 1993 में राम विष्णु आजाद एक बार फिर से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीते। साल 1996, 2002 और 2007 के इलेक्शन में राम विष्णु आजाद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। साल 2012 में यहां सपा के बाबूलाल कोरी चुनाव जीते। इस सीट पर साल 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। बीजेपी के रमापति शास्त्री ने बहुजन समाज पार्टी के रमेश चंद्र को 60,161 वोटों के अंतर से हराया। बीजेपी के रमापति शास्त्री ने 1,02,862 वोट हासिल किए, जबकि बीएसपी के रमेश चंद्र को 42,701 वोट मिले। सपा के राम विष्णु आजाद ने 24,695 वोट लिए और वे तीसरे नंबर पर रहे। साल 2017 में वोट प्रतिशत 57.30% रहा। मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 3,12,627 हैं। इनमें पुरुष वोटर 1,67,524, महिला वोटर 1,30,093 हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 93,000, ठाकुर 36,000, मुस्लिम 38,000, पिछड़ी जातियाँ 68,000, एससी वोटर 26,000 और अन्य वोटर्स की संख्या 16,000 है। यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस बार के सियासी रण में जनता के मुद्दे हैं कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं। सभी उम्मीदवार और राजनीतिक दल यहां पूरे दमखम के साथ वोटर को लुभाने में लगे हैं। पार्टियों के बड़े नेताओं ने भी यहां जीत के लिए अपना पूरा दमखम लगाया हुआ है। डोर टू डोर और वर्चुअल माध्यम से ज्यादा वोटर्स तक रीच बनाने की कोशिश की जा रही है। इलाके में विकास को लेकर वादे किए जा रहे हैं। यहां से बीजेपी विधायक और योगी सरकार में मंत्री रमापति शास्त्री का कहना है कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में विकास की गंगा बहाई है। ऐसे में यहां की जनता एक बार फिर से उनको ही आशीर्वाद देगी। वहीं दूसरे उम्मीदवार उनके इन दावों को झूठा करार देते हुए अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। यहां की जनता किसे अपना वोट और आशीर्वाद देती है, कौन यहां से चुनकर विधानसभा में जाता है, किसके दावे और वादे इस सीट पर हो रहे सियासी रण में सच साबित होंगे, ये सब 10 मार्च को नतीजों वाले दिन हम सबके सामने होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।